पैसों की बात की नहीं, हमारे पीछे आगे खड़े हो गए। पहले रेट तो पूछे हमारा कैसे पीछे खड़े हो गए। हम वीडियो गेम के टोकन में टोकन डालो भी खड़े रहे। वेलकम टू येट अनदर आशीर्वाद ब्लॉग्स। हाँ भाई, तो ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये हमारे पास ना बारिशें हुई हैं, ना हमारे पास सैलाब आया, ना कुछ और चीज़ है। ये हमारे पास गटर लाइनें फट गई हैं और तकरीबन दो दिन हो गए हैं सिचुएशन को। कोई गवर्नमेंट का इदारा ऐसा नहीं है जो आकर इस चीज़ को डील करे। हाँ, ये बात है, बीमारी इस गटर के पानी से नहीं आएगी। कोरोना से बीमारियाँ ज़रूर आएंगी और उसके बाद आदमी मरेंगे भी। सफाई नफ्स ईमान है। पहले आप अपने इलाकों को साफ रखें, अपने मुल्क को साफ रखें, बीमारियां दूर भाग जाएंगी। लेकिन नहीं नहीं, दुकानें बंद करवानी है, स्कूल बंद करवाने, सारे कारोबार बंद करवाने, क्योंकि कोरोना सबको मार देगा। ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं, इससे डरने की बात नहीं, हम हिल गए, वी आर यूज्ड टू इट। खैर, आज हमने एक बहुत ज़रूरी काम करना है, कुछ रूठे हुए दोस्तों को बनाना है। कल आपने ब्लॉग में देखा होगा कि हम किसी रूठे हुए दोस्त की बात कर रहे हैं। चले तो सबसे पहले उसको मनाते हैं। और पता नहीं क्यों बिला वजह रूठा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आती बात क्यों रूठा हुआ है। पूछ तो लें कि भाई रूठा क्यों है, ये तो बता दे यार। नाराज़ हो जा, लेकिन नाराज़ होने से पहले बता दे कि तू नाराज़ क्यों है। सर वाशलाम, सर कैसे हैं आप? सर दुआ है, अल्लाह का शुक्र है। सर आप कल कहाँ थे? कल व्लॉग में नजर नहीं आया सर आप। कल मैं थोड़ा सोया हुआ था, नींद आ गई थी। अच्छा अच्छा, चल बैठ। आज आपने स्मार्ट लॉकडाउन लगवा दिया ना? क्यों लग गया क्या वापस? कुछ दो बजे का टाइम हो गया। नहीं नहीं, आज तो दो बजे दुकान बंद करवा दी सारी। यहाँ शिलतिया बाद सारा खुला हुआ है, चलते हैं अभी पता चल जाएगा। अच्छा पहले मुझे ये बता कि क्या मसला क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। कल तू कहाँ था? कल यार सो गया था, मैं नींद आ गई थी। पक्का वही मसला था ना? नहीं नहीं नहीं, सो के बाद भाई। तो ये हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त और इसकी बचपन से आदत है कि ये नाराज हो जाता है लेकिन बताता नहीं। नाराज है तो बता दे यार। नहीं नहीं, नाराज की कोई बात नहीं। हंस के दिखा देखो, नाराज है वो वाली हंसी की का है? वो वाली आप भी नींद से उठाओ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कैसे हंसता था? अभी थोड़ा थोड़ा सही हुआ है लेकिन पूरा सही नहीं हुआ है। मसला क्या है बता देते, नाराज होने से पहले आदमी बता देते मैं नाराज हूँ। नहीं नहीं, नाराज क्या बात ही नहीं। पक्का? पक्का। चलो आगे चल के फैसला करते हैं, आगे थोड़ा सा और हो सकता है खुल जाए। यार ये भाईजान आज मिले हैं मुझे, इखलाक भाई, जरा से पूछो तो सही यार, मुझे नाराज क्यों है, मैंने क्या किया? नाराज क्यों है भाई? मैं नाराज हूँ ही नहीं यार, मैं क्यों? मेरा ऐसा हो ही नहीं सकता कि इखलाक नाराज हो। यार मुझसे नाराज है यार, ऐसा बंदा है। अच्छा इसको बहुत जरा हंस के दिखाए। हंस के दिख, मुझे ये लग रहा है। हाँ ये दुख है ना। हाँ चेहरे पे, चेहरे पे दुख। क्या हुआ ऐसे बताओ, मैंने तेरे साथ ऐसा क्या किया जो उसके मैंने तुझे पैसे भी नहीं दिए? क्या हुआ? कुछ भी नहीं है यार, हम नाराज है। तेरी जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, माना एक हंसी होती है दुख वाली, आज तेरे चेहरे से वो नजर आ रही है। हंसी चेहरे से? हाँ, मतलब आखिर क्या हुआ? देख आपस में दुख वाली नजर आती है, आपस में मोहब्बत में कर दो, ठीक है ना, नाराज नहीं हो, मुंह पे बोल दो। क्या मसला क्या, क्यों नाराज है? कर रहा है? नहीं नाराज नहीं हूँ यार, मैं क्यों नाराज होऊंगा बताओ। तेरी वही बात कि तेरा चेहरा बता रहा है आज। चेहरा क्या देखते हो फिर भी बता। दिल उतर कर। मैं देखो भाई, मैं बड़ी सिंपल बात करता हूँ और सीधी बात कर रहा हूँ भाई। तू नाराज भले हो लेकिन खाली इतना बता दे कि तू नाराज है क्यों। जब हुई नहीं बताऊं क्या?
कल ये मुझे पता कल इसने एक भी फोन नहीं उठाया मेरा। हाँ ये लगा मुझे पता। और बस सुन ले, सुबह से लेकर तकरीबन 12 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये सो रहा था। नहीं 1 बजे ये अकेला मौला ही खड़ा हुआ था दुकान पे। 1 बजे फोन किया था सर। साहिब वो जावेद भाई की मेहरबानी। मैं इधर आया था गनी हॉस्पिटल, तो मैंने देखा आशी भाई को, तो इशाल मेरे साथ थी। गनी पर आप आए थे तो आपको गनी पे वो दुकान कैसे नजर आ गई? गनी पे मैं आया तो फरीदा 8 बजे लाइट आती है, मैंने बोला चक्कर लगाऊं, लगा रहा था चिमनी, शाल और वीरू मेरे साथ थे। फिर मैंने शाल को घर छोड़ा, ठीक है ना, फिर वीरू मेरे साथ था, फिर आशी के साथ था मैं। और मैंने ये पूछा कि साईं के थे, बोला साईं भड़वत करे भजी सही बता सही ऐसी कोई बात नहीं। हाँ बस ऐसी कोई बात नहीं, वो कह रहा है ना, वो कह रहा है कुछ है, कुछ है तू बता, तू शर्मा नहीं, मुझे बताओ मैं हल करूंगा। चलो बाकी मसला आगे हल करते हैं। हाँ भाई, तो हमने जो काम स्टार्ट करना है उसके लिए जो कबाब का जो फॉर्मूला है वो एक्सपेरिमेंट आज हम करेंगे। और वैसे हमारे पिछले ब्लॉग में एक दोस्त ने कंप्लेन की थी कि आप लोग बीफ खाते हो और हमारे में वो आराम है और ये है वो। तो भाई मैं इसकी बता दूँ कि बीफ ये पाने का गोश्त है, इसको अंग्रेजी में बीफ ही कहते हैं ना वैसे भी। भाई ये पाने का गोश्त है, पाने को मेरे घर में काओ कहते हैं, क्या कहते नहीं, बफेलो 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 होता है ना भाई, बफेलो गाय तो वो होती है जो गाय होती है, एक होती है भैंस। ये भैंस की नस्ल है भाई, अभी क्लियर हो गई। तो ये वो बीफ नहीं है, वो गौ माता वाला नहीं है हिसाब किताब। इसलिए इंडियन दोस्त जो नाराज हो जाते हैं, नाराज नहीं हो, हम लोग हमारे पास इस्लाम में जायज़ है, लेकिन ये जो है ये पाने का गोश्त है, इसमें कोई ऐप नहीं है, आप लोग के लिए देख सकते हो। उसका हम डबल कीमा बनवा रहे हैं ताकि इसके कबाब अच्छे बने। जरा हाजी साहब का एक पॉइंट है, जरा समझ लीजिएगा, ऐसा बताइएगा, इस गोश्त का रंग भैंस के गोश्त का पड़ने गोश्त का वाइट चर्बी होती है, गाय की पीली चर्बी होती है, ये सबूत है। तो मतलब ये पाने का गोश्त है भाई, वाइट चर्बी वाला है, मतलब ये वो क्या कहते हैं इसको, बफेलो की एक नस्ल है, की उसका गोश्त है, ये गाय नहीं है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। बीमार कर दिया ये देखो, अबे हमसे जो टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। गरीब की शक्ल देख देख, लोग मुझे लेके जाते हैं बोर मुतासरीन की तरह कि चल भाई हमारे को चंदा दिलवा, चंदा दिलवा। इमरान खान वाले 12,000 तुझे मिलते हैं, एहसास प्रोग्राम मेरे पे दो शीदी चढ़ते हैं फिर उनको एहसास होता है। दादा इसका कितना वजन हो गया? 6 किलो 800 ग्राम। अब मुझे आज एक तजुर्बा करना है। जी जी ठीक है, उसके लिए मुझे तेरी हेल्प चाहिए होगी। बस यही है, समझ तो गया होगा तू यार। चलो चलो हमारे साथ चलेंगे यार। चलो ताले पे कर दो जो करना हो यार। सारा काम बैठ के होगा, लेट के होगा दादा। हाँ भाई, तो आज हमारे एक दोस्त ने अफवाह उड़ाई थी कि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, 2 बजे दुकानें बंद करने का ऑर्डर निकला है। सर आज भाई से पूछे, भाई ऐसा कोई ऑर्डर निकला है क्या आज? नहीं सर। कि 2 बजे दुकानें बंद करनी? नहीं सर। पक्का? पक्का। तो उस दोस्त के साथ क्या किया जाए? लटका दो। है कोई किला वाला लटकाने के लिए? काम पक्का हो जाएगा। मूंछों से लटकाना उसको, मूंछों से मजा आएगा, मजा आएगा। लटका तो मेरा वैसे ही रहा है। लटक तो वैसे ही रहा है, उस पे मेरे ख्याल से अभी हमारे इसको लटकाना है। लटकने वाली चीज पे लटकने का मजा ही अपना है। गरीब
यार वो मेरी गलती है, मुंह से निकल गया यार, माफ करना यार। तुम्हारा मुंह से निकल अगले की तो फट गई, गलत बात है। ऐसे लोग मुंह से नहीं निकालो ना। कंट्रोल 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 मजबूत। की बात की नहीं, हमारे पीछे आगे खड़े हो गए, पहले रेट तो पूछे हमारा। कैसे पीछे खड़े हो गए, हम वीडियो गेम के टोकन में टोकन डालो भी खड़े रहे। हमने माना हम सील बैग नहीं है, लेकिन महसूस होता है। समझ रहे थे कि हम लोग ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन ये जो मार्केट में लोग बैठे हैं ना, ये हमसे ज़्यादा होशियार हैं। मैं ये समझ रहा था अगर हम मुर्गी लेते हैं उसमें से बोनलेस अलग करवाते हैं, ये मुझे किसी ने कहा था, बल्कि किसी मुर्गी वाले ने ही कहा था, अगर आप मुर्गी लेते हो बोनलेस अलग करवाते हो, वो बोनलेस आपको इतना महंगा पड़ता है कि मुर्गी का रेट बाहर हो जाता है, फला हो जाता है, धमाका हो जाता है। यकीन मानिए, अगर आपको बोनलेस चाहिए तो आप सिर्फ बोनलेस की ही डिमांड करें, आपका पैसा फिर भी बच जाएगा। आज मैंने सारा नाप तोल करके, कैलकुलेशन करके, मैंने सारा हिसाब किताब निकाला है। अगर आपको बोनलेस लेना है तो फिर आप बोनलेस सिंपल लो, आपके तब भी पैसे बचेंगे। भले वो आपको 600 रुपये किलो मिले, पूरी मुर्गी लोगे आपको मिलेगी 360 रुपये किलो, लेकिन जब हमने एवरेज पूरा निकाला है तो उसमें तो हमें बोनलेस सस्ता पड़ा। वो क्या कहते हैं, वो सिंधी में एक मुहावरा देते हैं, सियाणों का बिटंगो फांसे, मतलब जो अकलमंद का वह होता है ना, वो दोनों टांगों से फंसता है। तो हम लोग अकलमंदी कर रहे थे, लेकिन वो अकलमंदी गलत निकली। अब होटल खोलेंगे तो ये चीज़ें पता तो चलेंगी मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे हम लेंगे आपसे इजाज़त, मतलब मैं लूँगा आपसे इजाज़त। जाओ भाई, आज ये इंकशाफ करके दिलवाएंगे कि आखिर कल इखलाक ने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया था सारा दिन। जाओ भाई, ये आपके ऊपर काम है। ओके, ठीक है सर, अगर आपने इसका जवाब निकाल लिया तो मैं आपका हुआ। क्या बात है, कल तू कहाँ रहा? कल मैं सो गया था यार, बुखार था मुझे। बहरहाल डोंट वरी, यो नो किसो ना एताया सदंग थिंदा रहंदा न भाई। मेरी बात समझो, जाओ भाई है। जाओ भाई, समझ गया दोनों को, दोनों खुशा को भाई। नहीं नहीं, खुशा खुशा कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों खुशा को। मैं ये कहता हूँ, इसको अगर कोई शिकायत है ना, मेरे को दो रोक टोक बोल दे, ये बात गलत है, मेरे को अच्छी नहीं लगी, ये एक बेहतर तरीका है। अब मेरे को पता ही नहीं है इसको मेरी कौन सी बात बुरी लगी। हम तो 500 बातें करते हैं, एक दूसरे को गालियां भी देते हैं, और दोस्ती आज की थोड़ी है यार, बचपन की है। अब इसको समझा यार, अभी छोड़ो यार, नाराजगी छोड़ो यार, समझ जाओ भाई, नाराजगी छोड़ यार, इखलाक नाराजगी नहीं है यार। देखो जरा हंस के दिखा, अभी भी वो ताकत नहीं आई। वो आ जाएगी आज तक, कल कल तक आ जाएगी, कल तक आ जाएगी। नहीं तो बर्गर वर्गर खाएगा ना, बर्गर बचेगा तो सही हो जाएगा।